गुलबर्गा शहर में कुरैश बिरादरी ने जेडीएस सुप्रीमो एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट कर जनता दल सेक्युलर को मजबूत करने का ऐलान किया है। हर बार कुरैश बिरादरी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से धोखा मिला है और इस बार कांग्रेस पार्टी से नाराज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश बिरादरी ने कर्नाटक स्टेट में जनता दल सेक्युलर को अनकंडीशनली सपोर्ट का ऐलान किया है। नेवर फॉरगेट दैट व्हाट द जनता दल हैज डन टू अस ऑन दैट टाइम। इट्स नॉट अ कंडीशन टू यू, वी अनकंडीशनली विल सपोर्ट यू। गुलबर्गा नॉर्थ में 13 जनवरी को नासिर हुसैन उस्ताद की लीडरशिप में पंचरत्न यात्रा निकाली गई जो नागवेश्वर स्कूल से हुमनाबाद बेस मोमिनपुरा कुरैशी महल्ला से होते हुए मुस्लिम चौक पहुंची। पंचरत्न यात्रा में नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट कर हजारों की तादाद में लोग रैली में शामिल हुए हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी, बीदर एमएलए बंडप्पा काशमपुर और दीगर कई जेडीएस लीडर इस यात्रा में मौजूद थे। यात्रा के दौरान कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों ने मोमिनपुरा कुरैशी महल्ला में एचडी कुमारस्वामी को रोक मेमोरेंडम के जरिए अपने डिमांड जाहिर कर गुलबर्गा नॉर्थ से नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट का ऐलान किया है। और गुलबर्गा शहर में कई लोग ये सोच रहे थे कि जनता दल सेकुलर से इस बार किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। एचडी कुमारस्वामी ने मुस्लिम चौक पर आवाम के बीच नासिर हुसैन उस्ताद की लीडरशिप की तारीफ कर इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट कर असेंबली भेजने की गुजारिश की है। मुसलमान समाज समाज समस्या ध्वनिया ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ। स्वामी के साथ जेडीएस के साथ हमारी कर्नाटका में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कर्नाटक के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई, उसमें हमारे कारोबारी मसाइल के ऊपर बातचीत हुई। जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है हर डिस्ट्रिक्ट में हर तालुके में एक सलाटर देना, उसको रिलीज़ करने का हमको आश्वासन भी दिए हैं। और इससे पहले भी कुमार स्वामी जब 2012 में बिल पास हुई थी तो वे बिल के लिए हम जब गार्डन में गए थे उनके ऑफिस में गए तो हम कांता साहब की क़यादत में पहुंचे तो कुमार स्वामी अपने ज़ाती टाइम लेके प्रतिभा पाटिल से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति को टाइम लेके हमारे जमात के मेंबरों के साथ मुलाकात कर रहे और वो बिल को उन्होंने वहाँ रुकाया था। उसी के भरोसे के ऊपर फिर इतना बड़ा काम हमारे पास कुमार स्वामी 70 साल की आज़ादी के 70 सालों में इतना बड़ा काम बिरादरी का बेंगलुरु से दिल्ली तक नहीं गया, दिल्ली तक ले जाकर उसको रुकाने वाले यही कुमार स्वामी थे। और इस बार भी हमारे साथ वादा किए हैं उन्होंने, वो करने वाले हैं। और इस वक्त हम बसु कल्याण हैं, हमारे बीदर के नबी साहब कुरैशी जेडीएस के और हमारे बिरादरी के जिम्मेदार हैं, हमारे बीदर के सदर साहब हैं सलेमान साहब। हम 30 तारीख को बेंगलुरु में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखें जिसमें और स्टेट लेवल के ऊपर कई एक फैसले लेने वाले हैं। हाँ, हमारे जो बिरादरी के जो मसाइल जो हर तरह से यानी छोटे कस्बे से लेके बड़े ज़िले तक या कैपिटल सिटी तक जो हमारे मसाइल हैं, मसाइल को हल करने के लिए हमारे जमीयतुल कुरैश कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट आली जनाब हासिम शोएबुर रहमान साहब ने जेडीएस पार्टी के साथ अनकंडीशनली सपोर्ट करने का वादा किया है। और इसी के साथ कुमार अन्ना ने भी टुमकुर की मीटिंग में जो उन्होंने भी हमसे वादा ये किया है कि मैं पार्टी में मेरी पार्टी विन होंदे या कम मेजॉरिटी में आंदे मैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट करूंगा। हर माम तुम्हारे जो भी मसाइल हैं बिरादरी के छोटे से जहाँ तक के ट्रांसपोर्टेशन का मामला है और जो है ना दुकानों का लाइसेंस का मामला है और हर तालुके के अंदर एक सलाटर हाउस गवर्नमेंट के लेवल पर जो कानून के दायरे में है उसको मैं पूरी तरह से बना के दूंगा, ये उन्होंने वादा किया है। आज गुलबर्गा के अंदर मोमिनपुरे में एक जमीयतुल कुरैश की तरफ से एक थोड़ा छोटा मोटा कुमार राणा का वेलकम हुआ है और हमारे कुरैश बिरादर में जज्बा है कि आने वाले दिन में हमारे बच्चे एजुकेशन और दूसरे जहाँ जहाँ हमारी तंजीम जैसा कि हमारी जो कमेटी है कुरैश बिरादरी
अल्लाह ताला हमको एक हलाल रोजी से नवाजा है। हमारे ये फिक्र है कि आने वाले दिन में हमारे को जो तकलीफें आ रही वो न होना, बल्कि 30 तारीख के दिन हम एक बेहतरीन बेंगलोर में प्रोग्राम रखे हैं। 5 लाख हमारे कर्नाटक स्टेट के अंदर छोटी और बड़ी बिरादरी के लिए कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमारे पास 15 लाख से ज़्यादा कर्नाटक में लोग हैं जो कारोबार से जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास दुनिया बनी जब से हम ये तिजारत करते हैं, हम लोग हमारे आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे आने वाले हम कैटेगरी 1 में आते हैं उसका फ़ायदा नहीं ले रहे, और हमारे जो रहबर है, हमारे जो सरपरस्त है, वो है ना बेंगलोर में खिताब कर हमारे हर ज़िले हर तालुके में एक मुहिम चला के एक करके एक ताकत के साथ हम है ना हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, और हमारा जो हक़ है हम लेके रहेंगे बोल के हम इंशाल्लाह बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कुरैश बिरादरी। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।